तो जौना के तरंग दर्द अधिक होगा उसमें मुड़ाव कम होता है। समझिए कि तरंग दर्द ज़्यादा था तो उसकी स्पीड चलने की ज़्यादा थी, और जब ज़्यादा स्पीड से चलबे नू तो घुमाव कम होला। अब एकदम हाई स्पीड में मोटरसाइकिल चलाओ तो घुमाओ सर, एक घुमाइले संग धूमथिरी लसरा गई हो का भरे हैप्पी बर्थडे गईले ठीक बा। अब जाके चीख होते रहो दिने, तो ज़्यादा ज़्यादा स्पीड में था तो नहीं कम स्पीड हो गया, तो नहीं अच्छा से हल्का मुड़ाएगा नवाइले एकदम स्टाइल में घुमाएगा तो नहीं और कम हो गया, और एकदम कम है मोटरसाइकिल को उठा के घुमा दी नहीं घुमा देगा। सुन ना, इसका मतलब हुआ कि जितना स्पीड कम रहा है जितना स्पीड कम रहा उसमें मुड़ाव ज़्यादा हुआ। हाँ लिखिए तो प्रिज्म से प्रक्षेपण, प्रिज्म से प्रक्षेपण लिखिए डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म। यहाँ देखिए, अरे चलो है ना, देखो हाई, देखो हाई प्रिज्म है, पर समझ लीजिए फ्रिज क्या है, तो फ्रिज में एक पारदर्शक माध्यम है जो कि बहुत सारे सतहों से मिलकर घिरा होता है, कहीं तीन लिखा है कहीं क्या लिखा है चार, समझ रहे हैं। हाँ देख लीजिए कैसे कैसे होता है, इस तरीके से हो गया ए फ्रिज में है, यहाँ देखो फ्रिज में है, फ्रिज में के उधर भी एक सतह है, एगो हेनियो है, एगो चार हो गया, समझ रहे ना। तो प्रिज्म जो है पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है जिससे जब श्वेत किरण होकर गुजरती है तो सात कलर में क्या होता है बढ़ जाता है। कोई पूछेगा प्रिज्म क्या है तो कहिएगा प्रिज्म पारदर्शक माध्यमों से चाहे पारदर्शक सतहों से घिरा हुआ क्षेत्र है, पूछे लगे हम तुरंत क्लास में ध्यान दीजिएगा ठीक है। प्रिज्म क्या है तो प्रिज्म पारदर्शक सतहों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जब उससे होकर कोई श्वेत किरण गुजरती है तो कितने कहती वर्णों में बढ़ जाता है सात वर्णों में। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, श्वेत किरण गुजरा ठीक है प्रिज्म है, अब ये नहीं होता तो ये ढिकचिक 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 आगे चला जाता, जाता कि नहीं जाता। अब इसमें जो है होता क्या है कि श्वेत वर्ण में श्वेत वर्ण है कौन वर्ण है श्वेत प्रकाश लिख देते हैं श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में सात वर्ण होते हैं पढ़ा होगा भिवजियोर ठीक है, बैनियाह पिनाला या बैजनियाह पिनाला समझ रहे ना ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा। तो कैसे होता है तो देखो बटेगा इस तरह से, एक कलर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सात कलर हो गए सात बॉन्ड। यहाँ एगो पर्दा रख दीजिए, पर्दा पर्दा खा लो जर्दा खा के जर्दा पानवा कौन कहता जनवा हाँ यहाँ देखिए अभी पर्दा जो है यहाँ से किरण चली अब यहाँ जाके टकराई, तो यहाँ पर्दा पर यहाँ जो चित्र बनेगा जो वर्ण प्राप्त होंगे उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, प्रकाशवा छितर गई प्रकाशवा का हो गई छितरा गई माध्यम बदल गया, प्रकाशवा दौड़ल गया आप माटी अथी में हवा में जा रहा था तो आगे कीचड़ था पानी था, अब जाके प्रकाशवा करे तो छिटा गया, तो कहा कि माध्यम बदल गया तो छीटा गया समझ रहे ना। केहू पूछी काहे छीटा गए तो ये मत कहिए प्रकाशवा मन छिटाओ चाहना तुरा दिक्कत पूछेगा कि प्रकाश में सात वर्ण क्यों बट गए तो सीधा सीधे कहिएगा सबके तरंग दर्द अलग अलग थे, बैगनी का सबसे कम होता है अंग्रेजी में लिखा था नहीं हिंदी में लिखा था बैगनी का वॉयलेट, बैगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक, तो जौना के तरंग दर्द अधिक होगा उसमें मुड़ाव कम होता है। समझिए कि तरंग दर्द ज़्यादा था तो उसकी स्पीड चलने की ज़्यादा थी, और जब ज़्यादा स्पीड से चलबे नू तो घुमाव कम होला। अब एकदम हाई स्पीड में मोटरसाइकिल चलाओ तो घुमाओ सर, एक घुमाइले संग धूमथिरी लसरा गई हो का भरे हैप्पी बर्थडे गईले ठीक बा। अब जाके चीख होते रहो दिने, तो ज़्यादा ज़्यादा स्पीड में था तो नहीं कम स्पीड हो गया, तो नहीं अच्छा से हल्का मुड़ाएगा नवाइले एकदम स्टाइल में घुमाएगा तो नहीं और कम हो गया, और एकदम कम है मोटरसाइकिल को उठा के घुमा दी नहीं घुमा देगा। सुन ना, इसका मतलब हुआ कि जितना स्पीड कम रहा है उसमें मुड़ाव ज़्यादा हुआ, तो सबसे
अधिक तरंग दैर्ध्य किसका? और सबसे कम? बैगनी का। तो सबसे कम इसीलिए कोई पूछेगा बैगनी में ज़्यादा मुड़ाव क्यों हुआ, तो कहेगा तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और बैगनी से कम होता है पारा बैगनी का तरंग दैर्ध्य, जो कि इसमें अभी नहीं है, ठीक है। और लाल से ज़्यादा होता है तरंग दैर्ध्य अवरक्त प्रकाश का। किसका होता है? अवरक्त प्रकाश का, उसके बाद में बताएंगे। अभी खाली समझ लीजिए, ये होता है बैनिया पिनाला चाहे बैजनिया पिनाला कहो। चलिए बैनी या अरे आह बैनी आह पी ना ला पिनाला। तो बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल, समझ रहे ना। चला भिबजियोर क्या होता है? भी आई भिब जी ओर, एक दो तीन चार पाँच छः सात। वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, समझ रहे ना। तो भिबजियोर होता है। अब हुआ क्या कि जो आप सात वर्ण में बटने की घटना है उसको कहा वर्ण विक्षेपण हो रहा है। क्या हो रहा है? और उसी का नाम है परिक्षेपण। क्या नाम है? परिक्षेपण। नाम बदल दिया है, उसी को कहते हैं परिक्षेपण। बाद में बहुत सारे लोग ऐसा समझते थे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग ऐसा समझते थे कि जब गाल पर से ठिया हटाया जाता है तब प्रिज्म के बारे में समझ में आता है, यही लोग समझा करते थे। जब ठीक है किसी प्रिज्म पर प्रकाश डाला जाता है तब प्रिज्म के अंदर का कलर चमक रहा है। लोगों को ऐसा महसूस था, लोग ऐसा जानते थे कि प्रिज्म में के अंदर का कलर चमकता, लाइट बरबे तो लागी चिकचिकाए। लोग को ऐसा पता था कि लागी एकरे अंदर के कलर सात के बानू ढीक चिक लागल बरे और वह दिख रहा है। तब बाद में कहल से कि हला मत करो, हला मत करो, तो कूदल हिरौआ बीच में। हिरौआ कौन? कौन? न्यूटन। न्यूटन सब कूदे एकदम फटाक से ना, कहते क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चुप रहो सो ना, तो एक हल्ला पर घींच देंगे ना। तो क्या बुझाते नहीं कि प्रिज्म के अंदर कलर बा कि श्वेत प्रकाश के अंदर कलर बा, क्योंकि जब बारह तनि चकचका तटे तो हमारा पता कैसे लगे कि प्रकाश के अंदर कलर था कि प्रिज्म के अंदर कलर था। और लोगों का थ्योरी क्या था कि जब टर्चवा बारह तनि चाहे कौन लाइट में रखो तनि तो प्रिज्म के कलर एंग नहीं खेलो कहत, जब प्रकाश में रख दे तो लागत अंदर के कलर फेंके प्रकट हो ना। न्यूटन जी क्या बोले कि हेंग एगो प्रिज्म रख दीजिए, एगो उल्टा प्रिज्म यहाँ रख दीजिए, ध्यान दीजिए, आ किरण गई है से तो कोई कलर सात, आ हई नहीं रहता तो ढिकचिक कहाँ चल जाती आगे, तनी सा मुड़ा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। ये क्या करेगा, वैसे जा रहा है जो किरण फिर हेगा मुड़ेगा, मुड़ेगा कि ना, तो मुड़ेगा देखो, तो मुड़ा ढीक चीक ढीक चीक ढीक चीक ढीक, फिर क्या कि हई मुड़ी मुड़ेगा ना, ढीक आई चीक आई ढीक आई चीक आई ढीक आई चीक ढीक चीक, ये मोड़ना फिर निकल के साथ सरा के कौन प्रकाश, श्वेत प्रकाश इधर आ रही है, इसमें देखने का है, फ्रिज में आ रही है, है श्वेत हाँ दिख रही है, तनी धुंधला दिख रही है, कोई बात नहीं ठीक है। अरे कौन बात दिखे, सब ठीक बात, जो ना बुझे तो और अच्छा बात। अब न्यूटन क्या बोले, क्या बोले न्यूटन, बोले कि देखो हेमे से जब किरनी जाती है तो छितर गल कितना, फिर सातु जाके मिला यहाँ पे, और सातु जाके मिला तो क्या बना, तो जानते हैं कंक्लूजन क्या दिया, निष्कर्ष क्या दिया कि जब प्रिज्म के अंदर कलर होता तो प्रकाश जब हियाँ पड़ता तो हियाँ चमकता, और हियाँ पड़ेगा तो यूँ ना चमकना चाहिए। प्रिज्म के अंदर कलर रहेगा तो हियाँ जब प्रकाश पड़ा तो चमक गई, फिर यहाँ पड़ा तो यहाँ चमकना चाहिए कि नहीं चमकना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिटरा के एक हो जाता है। तब कहा कि नहीं अथी प्रिज्म के अंदर कलर नहीं है, कोची के अंदर है, श्वेत प्रकाश के अंदर कलर है, ठीक है। तो इससे साबित हो गया कि श्वेत प्रकाश, तो क्वेश्चन आपसे कर सकता है लघुतरीय कि प्रमाणित करें कि श्वेत प्रकाश के अंदर सात वर्ण होते हैं न कि प्रिज्म के अंदर, तो ये चित्र बना के लिखे को पड़ी, लघुतरीय हो गया दो नंबर का, समझ रहे ना। हई अगर पूछ दी वर्ण विक्षेपण क्या है तो एक नंबर और साथ में दीर्घोत्तरीय जोड़ कर देता है, समझ रहे ना, उसमें चार नंबर का दीर्घोत्तरीय जोड़ेगा, एक नंबर का ही पूछेगा। चलिए लिख पाते हैं।